हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने एचएससी का ओसीएम का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने क्या किया है कि सारे चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो आपको पढ़ना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, वैसे क्वेश्चन कुछ निकाल के रखे हुए हैं। तो वो सारे के सारे चैप्टर वाइज में एक एक करके सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन बताता जाऊँगा। प्लीज़ आप इसे सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना। और अब फैब में एग्ज़ाम आ चुका है तो एक 3 महीने आपके पास बाकी हैं कम से कम, उसके अंदर तो आप सारी चीज़ें कम से कम ट्राई करो कि कवर कर लो। तो एक एक करके देखेंगे। आपका पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर देखो वो चैप्टर आपका अराउंड 23 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, जो कि आपको पूरे के पूरे कवर करने ज़रूरी है। तो अगर वो 23 मार्क्स का है, यानी वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अगर इसी चैनल के या मेरे चैनल में, मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, बना के रखा है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ जाके वो वीडियो को पूरा देख लेना एक बार। तो आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसको ईजी है इसलिए क्योंकि 8 से 9 पॉइंट आपको याद करना है और बाकी उसको डिफ्रेंशिएट करके फीचर और इम्पोर्टेंट बना लेना है। आपका जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस में आपको क्या करना है, आपको पहले डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश में क्या क्या करोगे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट, इनके बारे में पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश आपको आना चाहिए। यानी करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है और फिक्स अकाउंट क्या क्या होता है, उसमें आना चाहिए। रोड और रेल और एयर ट्रांसपोर्ट, इसके बीच में भी आपको डिस्टिंग्विश अच्छे से आना चाहिए। ये शॉर्ट नोट में भी आपको आएगा, लाइक रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें थर्ड है आपका कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये 3-4 डिस्टिंग्विश अगर आप कर लेते हो चैप्टर में से, तो यानी इसमें से एक तो डिस्टिंग्विश एग्ज़ाम में आना है। आपका शॉर्ट नोट में है प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, आपका टाइप्स ऑफ वेयर हाउस है, एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक है, ई बैंकिंग है और वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारे आपके जो है शॉर्ट नोट में पढ़ने हैं। और 5 मार्क के क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसमें फंक्शन, टाइप, यूटिलिटी, सर्विस ऑफ द बैंक और टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और फंक्शन ऑफ वेयर हाउस, इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 5 मार्क के लिए। इसके बाद आप अगर आप लॉन्ग आंसर में देखोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो 10 मार्क का ऑलमोस्ट हर सेकेंड ईयर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को लीव प्लीज़ मत करना, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाइए, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरर अगर ऐसा लग रहा है कि बीच में आप समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़ें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं एक एक को हिंदी में एक एक प्रिंसिपल को समझा के आपको दे दूँगा। आपका थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में क्या डिस्टिंग्विश में क्या लिखना है, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस, ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। और शॉर्ट नोट में क्या आएगा, ई बिजनेस और आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग और उसके एग्जांपल, ये दो मैं ऐसे अगर टॉपिक का नाम ले रहा हूँ तो आपको टॉपिक पूरा कवर करना है, लाइक ई बिजनेस में क्या होता है और आउटसोर्सिंग मीन्स क्या होता है। आपके लॉन्ग आंसर में क्या पूछेंगे, स्टेप्स इन ऑनलाइन बाइंग, जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन परचेस करते हो उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीज़ आपको लिखनी होंगी। उसमें सेकंड है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्ड चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग, ऑनलाइन बाइंग सिस्टम और एडवर्टाइजिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, इतनी चीज़ें आपको करनी है। आइए फोर्थ चैप्टर में देखेंगे। फोर्थ चैप्टर में जो 5 मार्क का क्वेश्चन और शॉर्ट नोट दोनों को मिला के अगर मैं बोलूँ तो फीचर ऑफ एथिक्स आपको करना है, फिर एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स करना है, बस ये दो चीज़ आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। उसके बाद आए आपका आपको जो टूवर्ड्स वाला आइटम है, जो जैसे टूवर्ड्स एम्प्लॉई, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, उनमें से बेसिकली 3 चीज़ तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स एम्प्लॉई, टूवर्ड्स कस्टमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों करने के बाद ही आप कहीं और हाथ लगाना, ये तीनों में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में 10 मार्क का या 5 मार्क का पूछा जाएगा, उसको आपको लीव नहीं करना है, ये तीनों आपको पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है। आपका अगला क्वेश्चन है बिजनेस एंड एनवायरमेंट,
जो बिजनेस और एनवायरमेंट वाला पेज है, पेज नंबर 114 आपके टेक्स्ट बुक में, उसको आपको अच्छी तरह से कवर करना है। अगर आप उसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हो तो आपके चैप्टर नंबर 4 की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जा रही है। गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, ये चीज़ों को आपको लीव नहीं करना है। आते हैं अपने फिफ्थ चैप्टर पे। फिफ्थ चैप्टर में क्या है आपको, फिफ्थ चैप्टर में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है आपका फिफ्थ चैप्टर, उसके अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये तीनों के बारे में डिस्टिंग्विश फीचर, इसके क्या क्या है, इसके शॉर्ट नोट, सारे के सारे क्वेश्चन ये तीनों में से आने वाले हैं। तो ये तीनों को आपको कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद राइट ऑफ कंज्यूमर, उतना याद कर लेना, और राइट एनी 5 राइट ऑफ कंज्यूमर, उनके कोई 5 अधिकार, वो पांचों के पांचों राइट जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी है, ये सारी चीज़ें हैं ना उसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको 5 राइट कम से कम आना चाहिए। अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, 5-6 राइट लिखोगे और आपका 10 मार्क का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसमें लॉन्ग आंसर में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंस क्या है उसका और कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको लिखना है। तो इसमें शॉर्ट नोट और लॉन्ग आंसर मिला के ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन है फिफ्थ चैप्टर में जो आपको करने जरूरी है। डिस्टिंग्विश प्लीज़ कर लेना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल के बीच में वो एग्ज़ाम में उनमें से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा। आपको जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के अंदर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है, आपको इसमें बोल देगा राइट एनी 5, राइट एनी 6, ऐसा करके कोई भी प्रिंसिपल पूछेगा, तो सारे के सारे प्रिंसिपल तो पहली बात आपको पता होने चाहिए, और उनमें से अगर आपको कुछ 5-6 पूछ लिया तो आपको 5-6 अच्छे वाले चुन के उसके अंदर लिखने हैं, और प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको, पेपर में जब आंसर कैसे लिखना जरूरी है, उसके भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। प्लीज़ सारे के सारे चैनल को, जितने भी HSC की वीडियो हैं, सब रिव्यू कर लेना। मैंने इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी क्रैश कोर्स, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक का बनाया हुआ है, HSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, और आज ये OC का बना रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या है आपका, पहले तो 14 प्रिंसिपल कर लिए आप, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद जो उसके अंदर मैनेजमेंट थिंकर्स का नाम दिया है, जैसे हेनरी फॉल दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, जो भी जिसका भी नाम है, सारे के सारे नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो। और उसमें है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो पेज नंबर 148 पे है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात करेंगे 7 चैप्टर के, 7 चैप्टर में जितने भी डिस्टिंग्विश है, आपको 12 मार्क का ये पूछा जाएगा एग्जाम में, 12 मार्क का ये चैप्टर में से 12 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जितने भी डिस्टिंग्विश है पेज नंबर 170 और 171 पे, सारे के सारे डिस्टिंग्विश आप ट्राई करो कि सबको कवर कर लो, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी है डिस्टिंग्विश, अगर डिस्टिंग्विश आप कर लेते हो तो 12 मार्क उसमें से आपका आराम से आ जाएगा। आपका 8 चैप्टर में क्या है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, ये तीनों के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके फीचर आपको पता होने चाहिए, उसके बाद उसके डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। अगर सारे चीज़ों के फीचर और डेफिनेशन आपको पता है तो उसमें से वो लोग कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसके आंसर कर सकते हो। तो प्लीज़ इतनी चीज़ें तो आपको उसी में करके जाना है, इतना जो इम्पोर्टेंस है ऑलमोस्ट मैंने सिलेबस कवर कर लिया है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर इतना चीज़ आप अगले 3 महीने में कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम तो आसानी से लाइक पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और पूरा पेपर अगर अच्छे से इज्जत से पढ़ के अटेम्प्ट कर दिया आपने, 82, 83, 84 मार्क्स कहीं नहीं गया, इतना मार्क्स तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये लेक्चर में हम OC का डिस्कस कर लिया, अगले लेक्चर में मैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP का मैं इंपॉर्टेंस लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में प्लीज़ इसको शेयर करना। बहुत लोगों का यह कंफ्यूजन होता है कि OC बहुत वास्ट है, क्या पढ़े क्या नहीं, तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना लोगों की हेल्प होगी। अगले लेक्चर तक बाय बाय, गुड लक।